अब हम आगे चलते हैं, यहां पर आ जाओ। मैं लिखता हूं कि वाटर इज एडेड टू और एडेड टू एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट, ठीक है। अब इसकी जो है वो हमने इक्वेशन लिखनी है। सो पहले आप ट्राई करेंगे या मैं लिखूं? चलिए आप ट्राई करें। वाटर इज एडेड टू एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट। जी, आप सबने एक इक्वेशन लिख ली होगी, CuSO4 सॉलिड प्लस एक्वस जो पानी आपने ऐड किया, और CO2 पॉजिटिव एक्वस प्लस SO42 नेगेटिव एक्वस आपने बना दिया, ठीक है। अच्छा किया आपने कि आपने ये बना दिया। ये जो है ये कॉन्सेप्ट ओ लेवल्स का है, ओ लेवल्स और AS का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब A2 का कॉन्सेप्ट क्या है? A2 का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास CuSO4 सॉलिड प्लस एक्वस है, CO2 पॉजिटिव की जगह आपके पास CuH2O6 2 पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है। इसको देख लें एक दफा, फिर मैं आप देखता हूं कि आपको आया है या नहीं आया। जी तो किसको समझ आ गई ये बात? हमने बेसिकली क्या किया है कि CuSO4 एक्वस CO2 पॉजिटिव जो है ये ओ लेवल्स का कॉन्सेप्ट था। आप इसको ओ लेवल्स में देखते थे और अब AS में भी आप इसको इसी तरह देखते थे, लेकिन अब हमने ये कहा कि A2 में आपके आके CO2 पॉजिटिव आयन जो है उसको आप CuH2O6 2 पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। और ये अब A2 की इक्वेशन है, ओके बस सिंपल ये बात है। आपने CO2 पॉजिटिव को रिप्लेस कर दिया है CuH2O6 से, ठीक है। और ये CuH2O6 2 पॉजिटिव जो है इसकी जो एक्वा स्टेट में, ठीक है। किसी को इसमें बस होना भी नहीं चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे हम इसकी फर्दर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इसमें इंशाल्लाह महारत हासिल हो जाएगी। जी, अब आप ये वाला देखें। Okay, when few drops of NaOH are added to CuSO4 aqueous solution, blue CuSO4 solution blue precipitates are formed. When excess of NaOH are added, no change takes place. ठीक है, ये क्या आपने इसमें करना है? इक्वेशन लिख देंगे CuSO4 aqueous plus 2 NaOH। ये ना पूछेगा कि 2 कहां से आया, अब ये पढ़ा पढ़ा के याद हो जाती है चीजें। 2 सॉलिड एक्वस एक्वस, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अब आप इसकी आयनिक इक्वेशन लिखें। आपका CO2 पॉजिटिव आयन आपने रिप्लेस करना है, लेकिन आपका CO2 पॉजिटिव आयन है ही नहीं, तो आप इसकी आयनिक इक्वेशन लिख CO2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 एन ए पॉजिटिव प्लस 2 ओ एच नेगेटिव गिव्स अस 2 एन ए पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस CuOH2 सॉलिड, ठीक है।
ये भी एक्वस है, 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 यानी कि इक्वेशन आप सबको लिखनी आती है। जी आती है, बिल्कुल आती है। अब जो है वो जो कॉमन आयन होता है उसको आप कैंसिल कर देते हो, ठीक है, ये आपने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब इसकी जो क्या हो गया भाई, हाँ, अब Cu2+ एक्वस प्लस 2OH- एक्वस Cuoh2 सॉलिड, ठीक है। अब इस Cuoh2 को आपने जो है वो रिप्लेस कर दिया Cu2H2O6 2+ 2OH- Cu2+6H2O लिक्विड, रिप्लेस करके बैलेंस कर दिया, ठीक है। सो ये आपके पास जो है वो फाइनल रिएक्शन बन जाता है। और इसका जो रिएक्शन है कौन सा, ये आयनिक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है स्लैश एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, इसमें कोई मसला कुछ नहीं। अच्छा, अब बात यह है कि जी पेपर में तो इतनी जगह ही नहीं होती कि आप पूरी आयनिक इक्वेशन लिखें फिर उसको रिप्लेस करें और ब्ला ब्ला ब्ला। तो आपने क्या करना है, पेपर की बेटा रिक्वायरमेंट जो है, पेपर रिक्वायरमेंट वो सिर्फ ये है, ये तो है ही नहीं पेपर की रिक्वायरमेंट। सो आपने पेपर में ये नहीं लिखना, आंसर जो है वो ये है, ठीक है। ठीक है, तो आंसर सिर्फ ये है, मार्क्स इसकी है। अगर आपको फील हो रहा है कि यार आप जो हो वो इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आप ब्लैंक पेजेस गिवन होते हैं, आप उसमें जो हो वो लिख लो इसको, ठीक है, सेपरेट इसको ब्लैंक पेज पर सॉल्व करके आंसर में जहां पर आंसर की जगह है वहां पे ये होनी चाहिए इक्वेशन जो है वो फाइनल इक्वेशन जो है वो लिख दो, ठीक है, ये वाला। तो आपको इंशाल्लाह, ठीक है। अब ये देखिए, व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया आर एडेड सीयू इन CuSO4 ब्लू प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म, ठीक है। करें अब आप लोग सब जो हो वो मिलके ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म, ठीक है। बेटा आप ओ लेवल्स में आपने तो देख के आ गए थे हम, आपके ओ लेवल्स के हालात भी हमें पता थे क्या है, ठीक है। NH3+H2O जो है वो NH4+OH-, ठीक है। अब Cu SO4 एक्वस प्लस 2 OH- Cuoh2 सॉलिड प्लस SO4 2-, ठीक है, ये भी एक्वस। आयनिक इक्वेशन लिखनी है, आई जस्ट मूव ऑन, ठीक है। आयनिक इक्वेशन Cu2+ एक्वस प्लस 2OH- एक्वस CuOH2। क्या हो गया बेटा, दोबारा करें जरा। NH3+H2O NH4+ OH- Cu SO4 सॉलिड प्लस 2 OH- Cu OH2 सॉलिड प्लस SO4 2-, ठीक है। आयनिक इक्वेशन लिखनी है, आई एम जस्ट गोना स्किप दैट पार्ट, ठीक है, आई एम टू ओल्ड फॉर दैट।
तो मैं आगे आ जाता हूँ, COH2 सॉलिड, ठीक है। ये एक्वस CO2 पॉजिटिव को आपने रिप्लेस कर देना है CuH2O6 टू पॉजिटिव से, प्लस OH नेगेटिव एक्वस CuOH2 सॉलिड प्लस 6H2O बैलेंस कर देंगे आपने, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो इस पार्ट की भी इक्वेशन जो है वो बन जाती है, ठीक है। कोई मसला नहीं है इसमें, गुड, सिंपल चीज है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक अच्छा जी, अब थोड़ी सी जरा रिवीजन देख लें। तो मोनोडेंटेट क्या होता है, जिसमें एक डेटिव बॉन्ड होता है और या एक लिगेंड होता है। बाइडेंटेट में दो डेटिव बॉन्ड्स होते हैं या दो लिगेंड्स होती हैं। इक्वेशन आप देख सकते हैं CuH2O4N3, क्या तो आप ये आपके पास बन गया, ठीक है। CuH4H2O2 टू पॉजिटिव प्लस 4H2O बन गया। दिस इज अ लिगेंड एक्सचेंज और लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है जी। इसको देखिए अगर आप, तो व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड NaCl और HCl एडेड टू सोल्यूशन ऑफ CO2 पॉजिटिव येलो ग्रीन सोल्यूशन इज फॉर्म, यानी के इक्वेशन लिखो CuH2O6 ब्रैकेट विच टू पॉजिटिव प्लस 4Cl नेगेटिव CuCl4 टू नेगेटिव, ठीक है। ये इक्वेशन जो है वो बन जाती है, ठीक है। ये आपने कर लिया, ठीक है। कह सकते हैं कि ये कॉपर Na3 4H2O2 पॉजिटिव और CuH2O6 2 पॉजिटिव के कुछ स्ट्रक्चर जो हैं वो दो स्ट्रक्चर हैं वो इस तरह के हैं, ठीक है। इसके दो स्ट्रक्चर जो हैं वो कुछ इस तरह के हैं, ठीक हो गया। इसको लिख लो, इसको हमें ये बात करें। उसके बाद अब इधर आते हैं कि इफ आयनिक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन टेक द डाइल्यूशन ऑफ NaOH देन द रिएक्शन इज एसिड बेस रिएक्शन, ओके। ये भी चीज जो है वो नोट डाउन कर लेनी चाहिए आपको, ठीक है। अब हम बाइडेंटेट लिगेंड्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ये प्लीज देखना कि द लिगेंड्स व्हिच कंटेन टू ग्रुप्स दैट हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बाइडेंटेट है, ठीक है। तो टू ग्रुप्स, ठीक है। दीज लिगेंड्स कैन देयरफॉर फॉर्म टू डेटिव बॉन्ड विद द मेटल आयंस। ये दो एग्जांपल जो है ये हम बाइडेंटेट लिगेंड्स की कर रहे होंगे, एक ये वाली और एक ये वाली। सो इसको प्लीज आप देख लीजिए, लिख लें इसको। अब आपने बाइडेंटेट कर लिया, ठीक है। बाइडेंटेट, बाइडेंटेट यानी कि टू। इसी तरह एक मोनोडेंटेट भी होगा, तो मोनोडेंटेट का मतलब होगा वन, तो ये मोनोडेंटेट है। द लिगेंड्स व्हिच कैन फॉर्म ओनली डेटिव बॉन्ड विद द मेटल आयन और व्हिच कैन फॉर्म ओनली वन डेटिव, ओनली कैन फॉर्म ओनली वन डेटिव बॉन्ड विद द मेटल आयन आर कॉल्ड मोनोडेंटेट। वाटर एंड अमोनिया आर मोनो, और ये एग्जाम्पल दी हुई है Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव, NH3H2, ठीक है। अब आपने बाय देख लिया, मोनो देख लिया, बाय टू। अब एक और आता है हेक्सा, सिक्स है जो, ठीक है, सिक्स डेटिव बॉन्ड्स वो बना सकते हैं। उसकी एग्जाम्पल ये है, ये इसका नाम जो है वो EDTA होता है, ठीक है। ये आपके कोर्स में नहीं है EDTA, तो इसको भी छोड़ दें, लेकिन ये एग्जाम्पल है कि ये कैसे बनाता है। सो ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स। तो ये सिक्स बॉन्ड जो है वो बड़े आराम से बना सकता है, ठीक है।